न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के पहले दिन ही टीम इंडिया की इतनी बुरी हालत के 2 रन पर 6 विकेट गिर गई। टीम इंडिया की ऐसी शुरुआत देखकर हर कोई हैरान। दरअसल इंडिया का न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच खेला जाना है। पहला टेस्ट मैच बेंगलुरु में खेला जा रहा है। टॉस जीत कर पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही खराब रहा। सरफराज खान तो शॉक में दिखे, ऐसे कैसे कैच पकड़ लिया। 7वें ओवर में टीम इंडिया का पहला विकेट गिरा। रोहित शर्मा 16 गेंदों में 2 रन पर आउट हो गए। तब टीम इंडिया 9 रन पर खेल रहे थे और 10 रन होने में 2 विकेट गिर गए। विराट कोहली और सरफराज खान बिना खाता खोले पेविलियन लौट गए। 1 रन में 3 विकेट गिर गए। सरफराज खान से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हो गए। फिर बारिश के बाद ऋषभ पंत और जयसवाल खेल में वापसी करते हुए दिखे। 30 रन तक टीम इंडिया का कोई विकेट नहीं गिरा। 31 रन पर यशस्वी जयसवाल विकेट गंवा दिए। तब टीम इंडिया 20 ओवर के खेल में 30 रन बनाकर 4 विकेट पर थी और लंच ब्रेक होने तक टीम इंडिया 34 पर 6 हो गई। अब ऐसा लग रहा है टीम इंडिया पहली पारी में 50 रन से ज्यादा नहीं बना पाएंगी।